हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में ग्रेडियंट बूस्टिंग स्टार्ट किया था और रिग्रेशन के ऊपर ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे काम करता है ये भी देखा था। बट उस वीडियो में हमने सिर्फ ज्योमेट्रिक इंट्यूशन लिया था और एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि काम कैसे कर रहा है ये एल्गोरिदम, बट उसके पीछे का मैथ्स हमने डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट बूस्टिंग के पीछे का मैथ्स देखेंगे, ठीक है, वो भी रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो में द गोल इज टू अंडरस्टैंड द मैथ्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप ग्रेडियंट बूस्टिंग का बात करो तो इट इज एन एल्गोरिदम, लाइक इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना होता है टू गेट योर रिजल्ट, ठीक है। और वो एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पर है। ये मैंने एक बुक से कटआउट निकाला है, इट्स अ वेरी फेमस बुक, स्टैटिस्टिकल लर्निंग वाली बुक, और वहां पर उन्होंने सीरीज में एकदम सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। व्हाट आई विल डू इज मैं इन स्टेप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और उससे फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का मैथ्स क्या है। एंड गेस व्हाट द गुड पार्ट इज कि ये सेम एल्गोरिदम एज इट इज क्लासिफिकेशन के ऊपर भी लगता है, थोड़े डिफरेंसेस के साथ। सो अगर आप ये समझ लोगे तो आपको क्लासिफिकेशन समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस वन कॉन्सेप्ट जो सभी मशीन लर्निंग बूस्टिंग एल्गोरिदम्स में अप्लाई होता है। उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एडिटिव मॉडलिंग। सो जितने भी बूस्टिंग एल्गोरिदम्स आपने पढ़े हैं वो सब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दे यूज स्टेज वाइज एडिटिव मॉडलिंग। अब ये पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझे बिना आप इस एल्गोरिदम को नहीं समझ पाओगे। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि एडिटिव मॉडलिंग क्या होता है। सो नाउ गाइज, टू अंडरस्टैंड एडिटिव मॉडलिंग, उसके पहले मैं एक बार आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, हमने बहुत चीजें पढ़ ली मशीन लर्निंग के बारे में, बट अगर आप नटशेल में सोचो तो मशीन लर्निंग एक बहुत सिंपल काम करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें एक्स बोल के एक कॉलम है और वाई बोल के एक कॉलम है। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स इनपुट कॉलम है, वाई आउटपुट कॉलम है। लेट्स से एक्स इज सीजीपीए, वाई इज सैलरी प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आपके पास एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल्स आर बेसिकली फंक्शंस, दे आर जस्ट फंक्शंस। फंक्शंस बिटवीन व्हाट? सो दिस इज अ फंक्शन और अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब कल को इस डेटा में और इनपुट कॉलम्स अगर आ जाए, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और फिर y वो आउटपुट कॉलम, तब भी y विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। इन शॉर्ट मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग मॉडल में आप करते क्या हो, आप बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करते हो जो x और y का रिलेशनशिप मैप करता है। तभी आपने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा भी होगा कि आप x को यहाँ पे प्लॉट कर रहे थे, y को यहाँ पे प्लॉट कर रहे थे, डेटा कुछ ऐसा था और फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे। ये लाइन क्यों आप ड्रॉ कर रहे थे? क्योंकि आप बोल रहे थे कि ये जो लाइन है यही रिलेशनशिप है x और y के बीच में, लीनियर रिलेशनशिप है। सो इन शॉर्ट मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग में आप इनपुट कॉलम्स और आउटपुट कॉलम के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्रॉ करते हो जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव मॉडलिंग। अब लेट्स से आपके पास एक्स और वाई डेटा सेट है, बट आपका डेटा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा टाइम लूंगा ये बनाने में क्योंकि ऐसा है आपका डेटा, ये एक्स है और ये वाई है। सॉरी, मैंने उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, बट ये है आपका डेटा। अब क्लियरली यहां पर आप लीनियर रिग्रेशन लगा के सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके काम नहीं चला सकते बिकॉज ये डेटा नॉन लीनियर है। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप बोलोगे कि एक तरीका ये है कि हम पॉलिनोमियल लगाएं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, हम पॉलिनोमियल टर्म्स ऐड करते जाएं। आप वो अप्रोच लगा सकते हो, बट ये पॉलिनोमियल वाला अप्रोच भी उतना अच्छा काम नहीं करता क्योंकि पॉलिनोमियल्स का प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो विकिपीडिया पे, इसको बोलते हैं रंजेस फिनोमेना, रंजेस रंगेस मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इन द मैथमेटिकल फील्ड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस रंजेस फिनोमेना इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑसिलेशन एट द एजेस ऑफ एन इंटरवल
that occurs when using polynomial interpolation with polynomials of high degree over a set of established equispaced interpolation points. In short, कि कभी भी आपने अगर लगाया होगा polynomial regression, तो जैसे आप degrees बहुत बढ़ा देते हो तो weird ढंग से आपका polynomial edges पे उठ जाता है. ये शायद आपने notice भी किया होगा, weird तरीके से polynomial उठ जाएगा या नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो R2 score है वो reduce हो जाता है. तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल से भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? द आंसर इज एडिटिव मॉडलिंग. सो एडिटिव मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सी एट द एंड ये है तो कोई फंक्शन, अगर आप देखो ये है तो कोई ना कोई फंक्शन, कोई फंक्शन तो ये होगा राइट. कोई भी कर्व स्पेस में कोई फंक्शन तो होगा ही राइट, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप है. अब हमें निकालना है कि वो फंक्शन क्या है. तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे. हम बोलेंगे, हम ऐसे सोचेंगे कि ये फंक्शन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या ये मल्टीपल स्मॉलर फंक्शंस का सम है? द आंसर इज यस. ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्चुअली x plus sin x, मतलब y is equal to x और y is equal to sin x का ये addition, ये जो बड़ा function है, ये जो composite function है, it is, अगर आप इसको break down करो तो ये दो अलग function से बना है. In fact, मैं आपको जल्दी से show करके भी दिखा सकता हूँ. So अगर आप Desmos पे जाओ और वहां पर अगर हम graphing calculator पे जाएं और वहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं y is equal to x plus sin x, you can see, ये देखो. So maths में कभी कभी आपके पास ऐसे composite functions होते हैं और आपको नहीं पता कि वो function क्या है. तो उस function तक पहुंचने का तरीका क्या है कि आप उसके छोटे छोटे portions को पकड़ो और gradually add करते करते आप उस function को approximate करो. additive modeling में आप यही करते हो. एडिटिव मॉडलिंग में आप एक एक छोटा छोटा, आपका जो बड़ा फंक्शन है, आपका जो बड़ा फंक्शन है वो एक्चुअली छोटे छोटे फंक्शंस का सम होता है, लाइक दिस. सो बूस्टिंग में भी आप यही करते हो. सो आप डिसीजन ट्रीज ऐड करते जाते हो. यहाँ पे हर फंक्शन एक डिसीजन ट्री है और हर फंक्शन के ऐड करने के बाद आप रियल जो सोल्यूशन है, रियल जो फंक्शन है, उसके आप क्लोज पहुंचते जाते हो. एंड दैट इज वाई आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे जैसे आप डिसीजन ट्रीज ऐड करते जा रहे हो, हर अगले स्टेज में आपका एरर कम होते जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल फंक्शन के पास पहुंचने लगते हो. और यही हम करेंगे इस पूरे वीडियो में. हम एडिटिव मॉडलिंग यूज करेंगे. ये जो एल्गोरिदम मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एडिटिव मॉडलिंग यूज होगा. ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लग पाए. तो मशीन लर्निंग इज नथिंग बट finding relationship between your input and output columns, and that relationship can be defined as a mathematical functions. ठीक है, वो एक mathematical function ही होता है. कुछ cases में वो mathematical function बहुत simple होता है, जैसे कि एक straight line, तो आप linear regression लगा सकते हो. कुछ जगहों पे थोड़ा सा curvy होता है, as in polynomial होता है, वहाँ पे आप polynomial regression लगा सकते हो. But कभी कभी आपको इतना complex कोई function मिल जाएगा जिसको आप लीनियर और पॉलिनोमियल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. वहां पे आपको क्या करना होता है, उस कॉम्पोजिट फंक्शन को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फंक्शंस निकालने पड़ते हैं, जिनको ऐड करके आपको वो बड़ा कॉम्पोजिट फंक्शन मिलेगा. और इसी टेक्निक को बोला जाता है एडिटिव मॉडलिंग. और ये टेक्निक बूस्टिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं. ठीक है, और इसको स्टेज वाइज एडिटिव मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप स्टेजेस में नए नए छोटे फंक्शंस ऐड कर रहे हो. स्टेज वन में पहला फंक्शन आया, स्टेज टू में दूसरा फंक्शन आया, स्टेज थ्री में तीसरा फंक्शन आया, एंड सो ऑन. ठीक है, और यहाँ पे जो हर फंक्शन है, हमारे केस में इट वुड बी अ डिसीजन ट्री. ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन अभी और थोड़ा सा आपको सेंस बनाएगा जब आप एल्गोरिदम पढ़ोगे. बट फॉर नाउ मुझे इंट्रोडक्शन देना था. आई होप ये क्लियर है. सो चलो गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिदम को समझना. एक चीज और, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको ड्राई मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं साथ ही साथ आपको एक डेटा सेट के ऊपर इस एल्गोरिथम को चला के भी दिखाऊंगा. सो मैंने एक छोटा सा डेटा सेट लिया है कैगल से. दिस इज द डेटा सेट. इस डेटा सेट में हमारे पास सिर्फ तीन रोज है. ठीक है, ये डेटा सेट क्या है, ये तीन स्टार्टअप्स के बारे में डेटा है.
डेटा क्या है कि उन स्टार्टअप्स ने आरएनडी में कितना खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा किया, मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया और उनका प्रॉफिट कितना था। मतलब इनपुट है आरएनडी का एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर, और आउटपुट क्या है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ। और हमारे पास सिर्फ 3 ही स्टार्टअप्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जानबूझ के मैंने कम रोज लिए सो दैट समझाने में इजी हो। तो हम लोग एल्गोरिदम यहाँ से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर स्टेप को पढ़ने के बाद उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपके पास दो चीजें इनपुट में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इनपुट यू शुड हैव अ ट्रेनिंग सेट। अब अगेन मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नोटेशंस लिखे होते हैं जो बहुत ही डीमोटिवेटिंग लगते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे कि इस पूरे डेटा सेट को देख के सिर्फ डर लग रहा है, बट ऑनेस्टली आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये जो लिखा हुआ है, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास एक्स आई है और वाई आई है और फिर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 1 से एन, ठीक है। अब इस पूरी चीज का कुछ मतलब नहीं है, इस पूरी चीज का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज को डीकोड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 से n, हमारे केस में n का वैल्यू 3 है बिकॉज हमारे पास 3 रोज या 3 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। सो मेरे ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ 3 रोज है, सबसे पहली बात ये हो गई। अब क्वेश्चन है कि एक्स आई और वाई आई क्या है। बहुत सिंपल है, हमारे पास एक्स आई में 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब पहले स्टार्टअप का आरएनडी स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंड और मार्केटिंग स्पेंड, इन तीनों को हम कलेक्टिवली एक्स वन बोलेंगे, ठीक है। दूसरे स्टार्टअप के आरएनडी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और मार्केटिंग स्पेंड को एक्स टू बोलेंगे और तीसरे वाले को एक्स थ्री बोलेंगे, ठीक है। अब पहले स्टार्टअप के प्रॉफिट को वाई वन बोलेंगे, दूसरे स्टार्टअप के प्रॉफिट को वाई टू और तीसरे स्टार्टअप के प्रॉफिट को वाई थ्री, दैट्स इट। यही है हमारा ट्रेनिंग डेटा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस एल्गोरिदम को चलाने के लिए पहले ट्रेनिंग डेटा चाहिए, हमारे पास है। फिर लिखा है कि आपको चाहिए है एक डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन इस फॉर्म में, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन इस टर्म को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉस फंक्शन क्या होता है, आपने मशीन लर्निंग में काफी टाइम स्पेंड कर लिया है, आई गेस आपको पता है कि लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो आपको ये बताता है कि आपके एल्गोरिदम ने कितनी गलती की, यही होता है लॉस फंक्शन। अगर आपको याद होगा जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एक लॉस फंक्शन पढ़ रहे थे लीस्ट स्क्वायर्स बोल के, जो कि ऐसा दिखाई देता था वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर, जहां पे वाई आई क्या है एक्चुअल डेटा, एक्चुअल आउटपुट वैल्यू, और ये था प्रिडिक्शन बाय द एल्गोरिदम। तो हम हर रो के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते थे, इसी को लीस्ट स्क्वायर बोलते थे और ये हमारा लॉस फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन में। सिमिलरली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक दूसरा लॉस फंक्शन था, ठीक है। तो सिमिलरली हमें ग्रेडियंट बूस्टिंग में बोला जा रहा है कि आपके पास एक लॉस फंक्शन होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप उसको हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी बात यही है ग्रेडियंट बूस्टिंग की कि आप कोई भी लॉस फंक्शन ले सकते हो बशर्ते वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसको आप डिफरेंशिएट कर पाओ, ऐसा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो इसको लिखा गया है इस फॉर्म में एल ब्रैकेट वाई कॉमा एफ एक्स। सो अगर इस फॉर्म को हम लोग देखें तो पूरे टाइम बाय द वे मैं यही करूंगा, मैं एल्गोरिथम आपको इस विंडो में दिखाऊंगा और एक्सप्लेनेशन में उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सो हमारा लॉस फंक्शन इस फॉर्म में है y, fx, ठीक है। अब ये कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, मतलब इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। यहाँ पे f ऑफ x होता क्या है, आपके मॉडल का आउटपुट, उसको आप y हैट बोल सकते हो। तो आप इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हो, दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब हम कौन सा लॉस फंक्शन यूज करेंगे, हम लीस्ट स्क्वायर ही यूज करेंगे, हम यही लॉस फंक्शन यूज करेंगे एटलीस्ट इनिशियली। आप दूसरे लॉस फंक्शंस भी यूज करते हो, जब मैं आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दो और लॉस फंक्शंस यूज होते हैं, बट फिलहाल हम सबसे सिंपल वर्जन ले रहे हैं लीस्ट स्क्वायर। देयर वुड बी ओनली वन डिफरेंस कि हम जो लॉस फंक्शन लेंगे लीस्ट स्क्वायर उसमें आगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे,
सब कुछ सेम होगा, बस आगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हाफ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द आंसर इज मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए। सो कभी कभी आप ऐसी चीजें करते हो मैथ से जो जिससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट एक छोटा सा कोई मैथमेटिकल स्टेप इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फ्यूचर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो टू है ये बाहर आ जाएगा और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना बच जाएगा। ठीक है, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ लगाने से नुकसान भी तो हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, हम जब लीस्ट स्क्वायर लगाते हैं, मान लो ये तीन पॉइंट्स हैं और ये हमारी लाइन है एक और ये है हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर लीस्ट स्क्वायर निकाल के इसका एरर बताओ, तो आप ये डिफरेंस निकाल रहे हो, इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो। मान लो फॉर लाइन वन दैट नंबर इज कमिंग आउट टू बी 10, एंड फॉर लाइन टू सिंस ये ज्यादा दूर है तो ये नंबर ज्यादा बड़े होंगे, फॉर लाइन टू इट इज 20। अब मैं बोल रहा हूँ कि रादर देन 10 और 20 इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो जैसा हमने किया, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। बट अब अगर अभी भी मैं आपसे पूछूं कि कौन सी लाइन ज्यादा बढ़िया है, तो आंसर होगा लाइन वन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। सो दैट इज वाई ये हाफ मल्टीप्लाई करो या 1/4 मल्टीप्लाई करो, इट डज नॉट मैटर। आप मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, आगे हेल्प हो जाता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमारे पास जो इनपुट में हमें चाहिए है ट्रेनिंग डेटा और एक डिफरेंशियबल लॉस फंक्शन, वो दोनों हमारे पास है। डिफरेंशियबल लॉस फंक्शन कौन सा? लीस्ट स्क्वायर, बस एक डिफरेंस है, आगे हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि आपको कुछ एक लूप चलाना पड़ेगा m टाइम्स। अब ये क्या है थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब यहां पर अगर आप एल्गोरिदम को देखो तो इसमें तीन स्टेप्स है, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, देर आर थ्री स्टेप्स। और जो सेकेंड वाला स्टेप है ये एक्चुअली लूप के अंदर है, ये लूप के अंदर है, ये पूरी चीज लूप के अंदर हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे, फिर टू में जाएंगे और फिर थ्री में जाके इस पूरे एल्गोरिथम को समझेंगे, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप जब भी हम कुछ समझेंगे उसको इस डेटा सेट के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। अब गाइस, स्टेप वन स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमारा एंड गोल क्या है। हमारा एंड गोल ये है कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है एक्स और वाई, और हमें एक्स और वाई के बीच में एक मॉडल बनाना है, और वो मॉडल बेसिकली रिलेशनशिप है एक्स और वाई का। मतलब हमें एक फंक्शन खोजना है एक्स का वाई के ऊपर। मतलब व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन ऑफ एक्स लाइक दिस। ठीक है, अब बूस्टिंग कर रहे हैं इसलिए एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, इट विल बी अ कंपोजिशन ऑफ स्मॉलर फंक्शंस। सो हम ऐसे निकालेंगे एफ नॉट एक्स, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, डॉट डॉट डॉट, एफ एन एक्स। ठीक है, और यहां पर सेकेंड मॉडल ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड फंक्शन ऑनवर्ड्स, हर फंक्शन एक डिसीजन ट्री है, क्योंकि डिसीजन ट्री भी एक मैथमेटिकल फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो यही हमारा एंड गोल है, हमें ये अचीव करना है। अब अगर आप एल्गोरिदम में जाओ तो स्टेप वन क्या करता है, स्टेप वन आपको बोलता है कि स्टेप वन में आप एफ नॉट एक्स निकालोगे, मतलब आप ये वाला फंक्शन निकालोगे। स्टेप वन का सिर्फ इतना काम है, आपको एक कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है जिसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस निकालने हैं, बट उसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्टेप वन निकाल के देगा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसी फॉर्मूले के थ्रू आपको एफ नॉट एक्स मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर्गमिन ऑफ गामा, और फिर ये कॉम्प्लेक्स सी लिखी हुई चीज। अब मैं क्या करूंगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, यहां पे आऊंगा और मैं आपको यहां पे लिख के बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ था एफ नॉट एक्स इज इक्वल टू आर्क मिन गामा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन लॉस फंक्शन ऑफ, थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, मैं भूल गया, वाई आई कॉमा गामा। सो यहां पे आ जाएगा वाई आई कॉमा गामा। ठीक है, अब लॉस फंक्शन तो हमारा ये था हाफ सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन
वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में गामा के बदले वाई आई हैट के बदले गामा यूज करने को बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रीराइट करते हैं कि हमें आर्क मिन ऑफ गामा चाहिए और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वन टू एन वाई आई माइनस गामा का होल स्क्वायर। मैंने इस पूरी चीज को इस तरीके से लिख दिया और ऑब्वियसली यहाँ पे हाफ होगा क्योंकि हमारे लॉस फंक्शन में हाफ है, ठीक है। अब इस पूरी चीज को अगर आप रीड करो तो इस पूरी चीज का मतलब ये है कि हमें गामा की एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें गामा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। इस आर्गमेंट को आप ऐसे ही रीड कर दो, फिर से सुनना, हमें गामा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये निकालना बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म को गामा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे और इक्वल टू जीरो कर दोगे और आपको मिल जाएगा मिनिमम, ठीक है, वही हम लोग करने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू इज वी वुड राइट डी ऑफ एफ नॉट एक्स बाय डी ऑफ गामा, ठीक है, इसको मैं यहां पे भी लिख देता हूं, हाफ सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई गामा का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, मैं हाफ और सिग्मा को बाहर निकाल रहा हूं और अंदर हमें अब डी बाय डी गामा करना है ऑफ वाई आई माइनस गामा का होल स्क्वायर को, ठीक है, सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाओगे तो ये टू बाहर आ जाएगा, यही टू यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये बचेगा सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई माइनस गामा और फिर डी बाय डी गामा ऑफ वाई आई माइनस गामा, ठीक है। वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो होगा, कांस्टेंट है, और इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस वन आएगा, वो माइनस वन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अगले स्टेप में एक्चुअली। सो इट वुड बिकम आई इज इक्वल टू वन से लेके एन गामा वाई आई माइनस गामा और इसको इक्वल टू जीरो करना है। सो इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन गामा बाहर आ गया, मतलब आगे आ गया और वाई आई पीछे चला गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा हमारे पास एक डेटा सेट है, दिस इज द डेटा सेट, अगर हम इस डेटा सेट के ऊपर इस एक्सप्रेशन को लगाएं तो हमारे पास सबसे पहले तो सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से लेके थ्री हो जाएगा, वन टू थ्री हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गामा माइनस वाई आई इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं वाई आई का बात करूं तो वाई आई क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए 192, सेकंड के लिए 144 और फिर 91, तो मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इस पूरी चीज को, तो ये हो जाएगा फॉर फर्स्ट स्टार्टअप गामा माइनस 192 प्लस गामा माइनस 144 प्लस गामा माइनस 91 इक्वल टू जीरो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 ऑफ गामा इज इक्वल टू 192 प्लस 144 प्लस 91, या फिर गामा का वैल्यू क्या होगा 192 प्लस 144 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 3। सो इन शॉर्ट आपका जो एफ नॉट एक्स है वो मीन होगा, ठीक है, मीन होगा आपके आउटपुट कॉलम का। और अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका एफ नॉट एक्स होता है, जो पहला फंक्शन होता है, वो एक्चुअली मीन से स्टार्ट होता है। हम लोग शुरू में कोई डिसीजन ट्री नहीं लगाते, जब हम वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकाल रहे हैं तो एफ नॉट एक्स जो है इट इज जस्ट द मीन ऑफ योर आउटपुट कॉलम। और अब हमने उसको प्रूव किया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप। अब ऑब्वियसली अगर आपका लॉस फंक्शन कुछ और होगा तो ये वैल्यू कुछ और होगा, सिंस हमारा लॉस फंक्शन लीस्ट स्क्वायर था, ये वैल्यू हमेशा मीन ही आएगी कोई भी डेटा सेट हो, ठीक है। तो हमने स्टेप वन कर लिया गाइस,
जस्ट मेक श्योर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। सो गाइज अब हम लोग मूव करते हैं स्टेप टू की तरफ, ठीक है। स्टेप थ्रू थोड़ा सा बड़ा स्टेप है क्योंकि वहां पे चार और स्टेप्स हैं और ये स्टेप हमें रिपीट करना है। कितने टाइम्स? कैपिटल एम टाइम्स, इतने टाइम्स हमें ये स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। अब इस पूरे स्टेप का मतलब क्या है, फिर से हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन वाले टैब में जाते हैं। सी, इस पूरे के पूरे स्टेप का मतलब बस इतना है कि जब हम ये बड़ा फंक्शन निकाल रहे हैं विच इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ दीज स्मॉलर फंक्शंस, तो पहला वाला जो फंक्शन है वो तो हमने निकाल लिया, पहला जो फंक्शन है वो तो हमने निकाल लिया, ये वाला, ये एक्चुअली एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ये फंक्शन, ये बस मीन, इट इज जस्ट अ लीफ। अगर आप डिसीजन ट्री के लैंग्वेज में बात करो, ये डिपेंड नहीं करता किसी चीज पे। बट इसके आगे वाले जो सारे फंक्शंस हैं ये सारे सेम है, ये सब के सब डिसीजन ट्रीज हैं, एंड दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, एक लूप में इन सबको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यही मतलब है इसका। सो अगर आप एल्गोरिदम में जाओ और आपने यहाँ पे m का वैल्यू अगर 50 रखा है, मतलब ये सेकेंड स्टेप, इसके अंदर के चारों स्टेप्स 50 बार होंगे और आपको 50 डिसीजन ट्रीज मिलेंगे, और इसका मतलब है आपको 50 ये f1x, f2x, f3x मिलेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विल मूव टू स्टेप वन ऑफ स्टेप टू, ठीक है। अब ये स्टेप में आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जितने भी रोज हैं डेटा में, मतलब हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन सब के लिए हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर आई एम, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आई और एम। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर और एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से डिसीजन ट्री पे काम कर रहे हो। सो अगर एम का वैल्यू वन है, मतलब f1x पहला डिसीजन ट्री पे काम कर रहे हो। सो हमें क्या निकालना है, फॉर एवरी डिसीजन ट्री I have to find this R for every row. समझने का ट्राई करना, हमें हर फंक्शन जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे f1x, f2x, f3x, तो हर फंक्शन के लिए मुझे डेटा में जितने भी रोज हैं उन सभी रोज के लिए R कैलकुलेट करना है। अब ये R क्या है, R है आपका रेजिडुअल, जिसको आप ग्रेडियंट बूस्ट में सूडो रेजिडुअल बोलते हो। सो सिंपल सा फंडा है कि हमें सूडो रेजिडुअल कैलकुलेट करना है हर बार, फॉर एवरी डिसीजन ट्री, और हर डिसीजन ट्री के लिए सूडो रेजिडुअल कैलकुलेट होगा हर रो के लिए, ठीक है। अब इसका फंक्शन थोड़ा सा, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डरावना लगेगा, बट है नहीं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से एक्सप्लेनेशन वाले टैब में लेके जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आर आई एम इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ डेल ऑफ एल ऑफ वाई आई कॉमा एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय डेल एफ एक्स आई। आई होप मैंने सही लिखा है, डेल एल वाई आई एफ एक्स आई डेल एफ एक्स आई एफ इज इक्वल टू एफ माइनस वन। यहाँ पे एक लास्ट चीज है, एफ इज इक्वल टू एफ एम माइनस वन, ठीक है। अब एक चीज सबसे पहले समझते हैं, सिंस हम फर्स्ट टाइम लूप चला रहे हैं तो एम का वैल्यू वुड बी इक्वल टू वन, तो इसका मतलब हम आर आई वन निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, मैं पूरी चीज को बस सिंपल करते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आ जाएगा वाई आई कॉमा एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय डेल एफ एक्स आई, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, एम का वैल्यू वन है तो एफ इज इक्वल टू एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास तीन रोज है, हमारे डेटा में तीन ही रोज है, तो हम तीन वैल्यूज निकालेंगे। हम निकालेंगे आर वन वन, आर वन टू, आर टू वन और आर थ्री वन। अगर आप इसको रीड करना चाहो तो इसका मतलब है पहले डिसीजन ट्री के लिए पहले रो का सूडो रेजिडुअल, ठीक है,
ये क्या है? पहले डिसीजन ट्री के लिए दूसरे रो का सूडो रेसिडुअल, और ये क्या है? पहले डिसीजन ट्री के लिए तीसरे रो का सूडो रेसिडुअल। मुझे ये कैलकुलेट करना, ठीक है। अब यहां पर मैं एक स्टेप मिस कर गया। मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं कोई कोड करूंगा उसको मैं यहां भी रन करके दिखाऊंगा इस कोड के ऊपर, मैंने आपको बोला था, तो मैं वही करूंगा। मैं यहां पर एक नया कॉलम बना रहा हूं, df f not of x, and this will be equal to df profit dot mean, और ये रहा मेरा df। सो मैंने क्या किया, ये जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था f not x, उसका आउटपुट इस कॉलम में स्टोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ करना था। नाउ विल गो बैक। अब देखो यहां पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस टर्म पे फोकस करो, ये टर्म क्या बोल रहा है। सो ये टर्म कुछ खास नहीं बोल रहा है, ये टर्म बस इतना बोल रहा है कि आपके पास जो लॉस फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो एफ एक्स आई से, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया था कि एफ एक्स आई इज नथिंग बट वाई आई हैट आउटपुट ऑफ योर मॉडल, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, एंड आई वुड राइट आर आई वन is equal to minus of d by या del by yi hat loss function of yi hat, और यहां पे आ जाएगा f is equal to f naught, ठीक है। अब अगर आप यहां पे आओ तो इसको हम फिर से rewrite कर सकते हैं, इस loss function को हम expand कर सकते हैं। अब आपको पता है जो loss function था हमारा वो था half sigma I is equal to 1 से n और yi minus yi hat का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेम लॉस फंक्शन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, देयर वुड बी ओनली वन चेंज, हम ये सिग्मा यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि हम एनी वेज ये जो सूडो रेजिडुअल कैलकुलेट कर रहे हैं ये हर रो का अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है हमें सिग्मा लगाने की। सो वट वी विल डू इज वी विल सिंपली राइट इट एज del by del yi hat of half yi minus yi hat ka whole square for f is equal to f naught, और अब हम लोग differentiation perform करेंगे, ठीक है। So जैसे आप differentiate करोगे chain rule लगेगा, ये 2 बाहर आएगा और इस 2 के साथ cancel हो जाएगा, फिर हम इसका differentiation फिर से करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे माइनस वन आएगा और वो माइनस वन यहाँ पे बाहर आके प्लस वन हो जाएगा। सो जब आप ये डिफरेंशिएशन पूरा परफॉर्म कर लोगे आपके पास सिर्फ बचेगा वाई आई माइनस वाई आई हैट, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैंने ये रिलेशनशिप लिखा था कि वाई आई हैट इज इक्वल टू एफ एक्स आई, सो मैं इसको वापस यहाँ पे भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई फॉर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। अब मैं इस एफ को रिप्लेस कर दूंगा विद एफ नॉट, सो दिस वुड बिकम वाई आई माइनस एफ नॉट एक्स आई, ठीक है, और यही है मेरा आर आई वन। सो अब अगर मुझे पहले स्टार्टअप के लिए सूडो रेजिडुअल निकालना है तो वो होगा आर वन वन, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वाई वन माइनस एफ नॉट एक्स वन, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए निकालना है तो वो हो जाएगा वाई टू माइनस एफ नॉट एक्स टू, और थर्ड वाले के लिए निकालना है तो वो हो जाएगा वाई थ्री माइनस एफ नॉट एक्स थ्री, और ये एफ नॉट क्या है, ये हमने जस्ट फर्स्ट स्टेप में निकाला था, बेसिकली मीन, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आई विल गो बैक 142 मीन है और फर्स्ट वाले का 192 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 192 माइनस 142, सेकेंड वाले के लिए आ जाएगा 144 माइनस 142, और थर्ड वाले के लिए आ जाएगा 91 माइनस 142, ठीक है, और यही है हमारे सूडो रेजिडुअल्स फर्स्ट डिसीजन ट्री के लिए, ठीक है। तो ये काम हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के कर भी सकते हैं एज इन साथ ही साथ।
what we can do is we can write df of f, actually isko hum bolenge r I 1, n ke badle 1 likh diya, will be equal to df profit minus df f naught x, और ये रहा हमारा df, ये रहे हमारे residuals, ठीक है, stage 1 में, मतलब stage 2 में actually, ठीक है. अब we can move to our algorithm, और अब हम लोग जाएंगे अगले stage, मतलब अगले step पे. अब अगले step पे लिखा है कि आपको एक regression tree fit करना है on r im column और xi के साथ. So basically यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इन तीनों को इनपुट मानना है और इसको आउटपुट मान के एक रिग्रेशन ट्री फिट करना है. ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे करना है. सो वो हम कर लेते हैं. हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसिव. इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. लेट्स कॉल इट dt1 इज इक्वल टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर. यहाँ पे हम लोग मैक्स डेप्थ रख रहे हैं सिर्फ 1. उसका रीजन ये है कि हमारा डेटा बहुत छोटा है तो हमारा मैक्स लीव 2 है, बट यूजुअली आप 8 से 32 रखते हो डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट. अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं dt1 डॉट फिट और यहाँ पे हम लिख रहे हैं df डॉट ILOG. सारे रोज और कॉलम्स कौन से, 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2, ये हमारा इनपुट हो गया. इसको वैल्यूज दे देते हैं, नंपाई देना ज़्यादा सही है. और यहाँ पे हम दे देते हैं आर आई वन डॉट वैल्यूज और ये हो गया हमारा डिसीजन ट्री. अब अगर आपको देखना है ये डिसीजन ट्री कैसा दिख रहा है तो आप sklearn में जा सकते हो. sklearn.tree के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लॉट ट्री और हम प्लॉट ट्री में डालेंगे dt1 को और ये रहा हमारा डिसीजन ट्री, ठीक है. सो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे स्प्लिट पड़ा है और वो कॉलम है rnt spend और बहुत सिंपल सा स्प्लिट है कि अगर 65 से नीचे है तो एक सैंपल, मतलब हमारे पास टोटल 3 सैंपल्स थे तो एक सैंपल इस लीफ में आ रहा है और 2 सैंपल्स दूसरी लीफ में आ रहे हैं. और अब हमें क्या करना है, इस स्टेप को कंप्लीट करना है. एक्चुअली हो गया, बस यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि फिट अ रिग्रेशन ट्री टू द टारगेट्स आर आई एन गिविंग टर्मिनल रीजन्स आर जे एन वेयर जे इज इक्वल टू 1, 2, 3 टिल जे एन, ठीक है. अब इस पूरी चीज का क्या मतलब है, टर्मिनल रीजन क्या होता है वो समझते हैं. अब गाइस टर्मिनल रीजन क्या होता है, इसका आंसर छुपा हुआ है डिसीजन ट्री के वर्किंग में. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सो अगर मान लो आपके पास एक डेटा सेट है जहां पर आपके पास एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है और वो डेटा को जब आपने प्लॉट किया तो वो कुछ ऐसा है, लेट्स से कुछ इस तरीके का है, ठीक है. अब अगर आपने इसके ऊपर एक डिसीजन ट्री चलाया और वो डिसीजन ट्री एग्जैक्टली ये है, ये ठीक है, हमने एक वन डेप्थ का डिसीजन ट्री चलाया तो वो इस पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में काटेगा, एक स्प्लिट मारेगा, एक सिंगल स्प्लिट, ठीक है. अगर हमने एक और डेप्थ दिया होता तो वो एक और कट मारता शायद ऐसा, तो अब वो 3 रीजन्स में कट करता पूरे के पूरे डेटा को. बट फिलहाल हमारा जो डिसीजन ट्री है जिसमें सिर्फ एक डेप्थ है, मतलब 2 लीव्स हैं, तो वो उसको 2 रीजन्स में काटेगा, ठीक है. सो इसी को बोलते हैं, ये जो है इस रीजन को आप बोलोगे टर्मिनल रीजन 1 और इसको आप बोलोगे टर्मिनल रीजन 2, ठीक है. यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रिग्रेशन ट्री फिट करोगे तो वो आपको टर्मिनल रीजन्स देगा, ठीक है, और टर्मिनल रीजन्स को आप आर जे एम बुलाओगे. तो सिंस हमारा ये पहला डिसीजन ट्री है तो एम का वैल्यू तो हो जाएगा 1, ठीक है. तो अब इसको हम बोलेंगे आर 1, 1, मतलब पहले डिसीजन ट्री का पहला टर्मिनल रीजन, और इसको हम बोलेंगे आर 2, 1, पहले डिसीजन ट्री का दूसरा टर्मिनल रीजन, ठीक है. अब इसका अगर डेप्थ और होता है इस ट्री का
लाइक दिस, तो टोटल मिला के तीन रीजन होते लाइक दिस, ये भी एक रीजन होता, ये भी एक रीजन होता, और उस तरीके से पूरा नोटेशन है. सो इन शॉर्ट हमने क्या किया, रिग्रेशन ट्री फिट किया हमारे डेटा के ऊपर, और उसकी वजह से मुझे कुछ टर्मिनल रीजन मिलेंगे जितनी बार मैं डिसीजन ट्री फिट करूंगा. ठीक है, एक चीज और जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि जब आप डिसीजन ट्री को फिट करते हो तो आपको एक वैल्यू भी मिलता है. जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वैल्यू इक्वल टू -51, वैल्यू इक्वल टू 25.667. तो ये वैल्यू क्या है, ये डिसीजन ट्री का प्रिडिक्शन है. सो हमारे केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे केस में तीन ही डेटा सेट थे, मतलब तीन ही रोज थे. तो उसकी वजह से अभी मान लो कि इनपुट में एक ही कॉलम है, तो हमारा डेटा कुछ ऐसा था, ऐसा, और वो स्प्लिट पड़ा ऐसा. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो सिंगल वाला है एक तरफ, इसका आउटपुट मान लिया गया, इसका आउटपुट मान लिया गया 51.3. अब ये 25.667 क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इन दोनों का जो आउटपुट था ऑलरेडी विच वॉज, अच्छा बाय द वे -51.3 डेटा में है ऑलरेडी, और वो ये है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को सीधे उसने पकड़ लिया, और जो बाकी दोनों हैं उनके आउटपुट का मीन निकाल दिया, इसका और इसका, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया. दैट इज वाई इस वाली लीफ का, इस वाली टर्मिनल रीजन का आउटपुट कितना आ रहा है, 25.5. सो इन शॉर्ट डिसीजन ट्री क्या करता है, टर्मिनल रीजन बनाता है और उस टर्मिनल रीजन में जितने पॉइंट्स गिरते हैं उनका मीन निकाल देता है. सो इस पॉइंट का जब मीन निकालोगे तो वो वही आएगा जो इस पॉइंट का आउटपुट है, और इन दोनों का मीन वो आएगा जो 2 से डिवाइड करने पे आएगा. सो ये है हमारे डिसीजन ट्री का आउटपुट. ठीक है, बट कमिंग बैक टू आवर एल्गोरिदम, हमने स्टेप 2 कर लिया, स्टेप बी कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी आपने टर्मिनल रीजन्स बनाए हैं उन सभी का आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करो, जिसको आप गामा जेएम बोलोगे. ठीक है, अब आप बोलोगे आउटपुट वैल्यू तो आ गया है, यही तो है आउटपुट वैल्यू, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, हम ये आउटपुट वैल्यू नहीं लेंगे, ये डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का आउटपुट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का आउटपुट नहीं है. ग्रेडियंट बूस्टिंग का अगर आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है फॉर एवरी टर्मिनल रीजन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, गामा जे एम इज इक्वल टू आर मिन ऑफ गामा, और ये आगे पूरा बड़ा सा रिलेशनशिप. ठीक है, तो अब एक बार स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखो, तो हमने सबसे पहले सूडो रेजिडुअल निकाला, सूडो रेजिडुअल के ऊपर एक रिग्रेशन ट्री को फिट किया जिससे हमें टर्मिनल रीजन्स मिले, और अब हमें हर टर्मिनल रीजन का आउटपुट कैलकुलेट करना है. ठीक है, वही है स्टेप सी. सो गाइज, अब टर्मिनल रीजन्स का वैल्यू या फिर लीफ का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है. ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ. सो फॉर्मूला है गामा जे एम इज इक्वल टू आर्ग मिन ऑफ गामा और सिग्मा एक्स आई बिलोंग्स टू आर जे एम. ठीक है, और एल वाई आई कॉमा एफ एम माइनस वन एक्स आई प्लस गामा. ठीक है, अब देखो हमने जो डिसीजन ट्री बनाया, फिलहाल यहाँ पे पहले तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमें गामा j 1 निकालना है. ठीक है, अब इसमें भी दो है, एक है गामा 1 और एक है गामा 2 1, पहला डिसीजन रीजन, दूसरा डिसीजन रीजन. ठीक है, या टर्मिनल रीजन बोल रहे थे हम इसे. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स से हम पहले निकालते हैं गामा 1 1 को. तो इस पूरी चीज को अगर आप फिर से लिखो तो यहाँ पे आएगा आर्गमिन ऑफ गामा सिग्मा एक्स आई बिलोंग्स टू आर 1 1, कौन से रीजन में पॉइंट्स, 1 1 में. ठीक है, एल वाई आई कॉमा एफ एम माइनस 1 एक्स आई प्लस गामा. अब समझने का ट्राई करो, हमें क्या करना है, हमें गामा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर हमें इस लीफ का आउटपुट चाहिए, बेसिकली अगर हमें इस लीफ का आउटपुट चाहिए तो हमें गामा की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये आगे वाला टर्म मिनिमम हो. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये क्या लिखा हुआ है, जब हम गामा 1 1 निकाल रहे होंगे तो हमें
xi सिर्फ वही लेने हैं जो R11 में गिरे हैं. R11 क्या है? R11 is basically this leaf. तो हमें जब इस leaf का value निकालना है तो हम उन्हीं rows को consider करेंगे जो इस leaf में गिरे हैं, वो है ये last वाला. ठीक है, सिमिलरली जब हम इस लीव का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम सिर्फ उन्हीं रोज को पकड़ेंगे जो इसमें आके गिरे हैं, और वो कौन से हैं? ये दोनों. ठीक है, तो इफ आई कम डाउन, अब क्या कर सकते हैं हम? बहुत सिंपल है, जो हमारा लॉस फंक्शन है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ. सो गामा 11 कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना है, यहाँ पे सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एक ही पॉइंट है हमारे पास. तो हमारा लॉस फंक्शन हो जाएगा yi माइनस, अब yi हैट के बदले ये पूरा टर्म आ जाएगा. तो हम लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, हमें ये निकालना है arg min gamma of, सिंस हमने ऑलरेडी ये कंडीशन लगा दिया है तो अब यहाँ पे आएगा हाफ सिग्मा, नहीं आएगा, एक ही पॉइंट है, yi माइनस ब्रैकेट में F, M का वैल्यू क्या है? 1. तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0. F नॉट ऑफ xi प्लस गामा. ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, आर्गमिन निकालने के लिए मुझे बस इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गामा और उसको इक्वल टू 0 करना है. सो बेसिकली मुझे ये निकालना है D, ये निकालने के लिए एक्चुअली लॉस फंक्शन लिखना चाहिए यहाँ पे. मुझे लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गामा. सो दिस वुड बी इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आई एम सॉरी, स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे आके कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 वाई आई माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस गामा. और अब जब हम डी बाय डी गामा निकालेंगे ऑफ वाई आई माइनस F नॉट x माइनस गामा और इसको इक्वल टू 0 करेंगे. ठीक है, ए टू और ए टू कट गया, ये वाई आई एज इट इज रहा, यहाँ पे आ गया F नॉट x और यहाँ पे आ गया गामा. इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो गया, इसके रिस्पेक्ट पे 0 हो गया और इसके रिस्पेक्ट पे माइनस 1 आ गया. ठीक है, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 और दोनों साइड माइनस 1 से डिवाइड करने पे वी विल गेट yi minus f naught x minus gamma equal to 0. So in short, आपका जो gamma 11 है उसका formula आ जाएगा yi minus f naught x. हमारे केस में f naught x क्या है? ये 142 minus, और yi क्या है? For this point yi is 91. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 91 minus 142 और गामा इक्वल टू 0. सो गामा हो जाएगा 91 माइनस 142 और ये आएगा अराउंड 51 माइनस में, और यही हमारा आउटपुट है उस लीफ का. अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो तो वो आउटपुट भी सेम है, जो हमारा आउटपुट आया और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है. इस लीफ का आउटपुट जो हमने निकाला और जो डिसीजन ट्री ने निकाला वो सेम है. एक बार क्रॉस चेक करते हैं. क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गामा 21 निकाल रहे हैं इस वाले लीफ का आउटपुट. ठीक है, और मैं वाइट मार्कर यूज करता हूं. सो आई वुड राइट गामा 21 इज इक्वल टू आर्क मिन गामा और यहां पे आ जाएगा सिग्मा xi belongs to R21 और यहाँ पे आ जाएगा loss function yi, f, m minus 1 को मैं already यहाँ पे 0 xi लिख रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा minus gamma. ठीक है, और एक बार cross check कर रहे हैं, minus ही था, actually plus था, so यहाँ पे plus आ जाएगा. और अब हम क्या करेंगे, फिर से loss function से replace करेंगे. इस बार summation लगेगा क्योंकि इस बार दो rows हैं, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है पूरी चीज क्या हो जाएगी. पूरी चीज में क्या होगा, फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक्चुअली देखो, यहाँ पे
अब एक सिग्मा आ जाएगा, इस वाले टर्म में एक सिग्मा आ जाएगा और दो पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वी वुड बेसिकली राइट दिस फॉर पॉइंट वन और एक और माइनस दिस फॉर पॉइंट वन। सो हमें कुछ ऐसा लिखना है कि माइनस, एक काम करते हैं, कर लेते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, देखो करते हैं इसको। लॉस फंक्शन को रिप्लेस कर रहा हूं मैं सबसे पहले। सो यहां पे आ जाएगा आर्क मिन ऑफ गामा सिग्मा, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कौन से पॉइंट्स आएंगे सेकंड टर्मिनल रीजन में। और यहाँ पे लेट्स राइट सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से लेके टू, टू क्यों हो गया बिकॉज इस लीफ में दो पॉइंट्स गिर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वाई आई माइनस एफ नॉट एक्स आई प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब आर्गमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, गामा से डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल टू जीरो करना है। सो और बाय द वे यहाँ पे हाफ भी है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने पे आपको पता है क्या होगा, ये टू बाहर आके कट जाएगा और सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से लेके टू में बाहर एक माइनस आएगा और अंदर आ जाएगा वाई आई माइनस एफ नॉट एक्स आई माइनस गामा इक्वल टू जीरो। दोनों साइड अगर मैं माइनस वन से डिवाइड करूं तो ये माइनस चला जाएगा और मेरे पास बचेगा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से टू वाई आई माइनस एफ नॉट एक्स आई माइनस गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस टर्म को एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाई वन माइनस एफ नॉट एक्स वन माइनस गामा और फिर आ जाएगा प्लस वाई टू सेकेंड रो, ये सेकेंड रो माइनस एफ नॉट एक्स टू माइनस गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वाई वन कितना होगा, वाई वन होगा 192 माइनस 142 माइनस गामा प्लस वाई टू कितना होगा 144 माइनस 142 माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब अगर आपकी कैलकुलेशन करो 336 माइनस 284 दिस वुड बिकम 52 52 माइनस 2 गामा इक्वल टू जीरो, सो गामा वुड बी 52 डिवाइडेड बाय 2 सो समवेयर अराउंड 26। यू कैन सी वही 25 आ रहा है क्योंकि मैंने डेसिमल वैल्यूज तो ली नहीं। तो अब आपने एक चीज़ रियलाइज अगर किया होगा तो हो क्या रहा है कि जब मैं ये वाला स्टेप लगा रहा हूँ, ये वाला जब मैं स्टेप लगा रहा हूँ टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ ईच लीफ, तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली वही आ रहा है जो डिसीजन ट्री के लीव्स का आउटपुट है। तो आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको बोलना चाहिए जब सेम ही आना था तो मैंने इतना मेहनत क्यों करवाया, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो लॉस फंक्शन है वो लीस्ट स्क्वायर है। अगर कोई और लॉस फंक्शन यूज करते तो कुछ और वैल्यू आती। सो आप अगर लीस्ट स्क्वायर यूज कर रहे हो लॉस फंक्शन तो आप डिसीजन ट्री के आउटपुट को अपना आउटपुट मान सकते हो, सही काम करेगा। बट अगर कोई और लॉस फंक्शन है तो ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, द रीजन इज कि हमारा लॉस फंक्शन ऐसा है कि उसको डिफरेंशिएट करने पे मीन ही निकालना है हमें उस लीफ में गिरे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया कि सभी टर्मिनल रीजन्स का आउटपुट वैल्यू क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट द डिसीजन ट्री इज गिविंग मी। अब बस हमें क्या करना है, ये लास्ट स्टेप पे जाना है विच इज स्टेप डी। सो गाइज अब बस लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें एफ एम एक्स निकालना है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप एफ वन एक्स निकालोगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से इट वुड बी एफ एम माइनस वन एक्स। सो ये हो जाएगा एफ नॉट एक्स प्लस, अब ये जो पूरी चीज है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स चीज है, ये बस आपका जो करेंट आइट्रेशन में जो डिसीजन ट्री है उसका आउटपुट है, ठीक है, दैट्स इट। सो ये है डिसीजन ट्री का आउटपुट और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए आप बस ये मीन को डिसीजन ट्री के आउटपुट में ऐड कर दोगे, वही आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अब अगर आप सेकेंड टाइम आ रहे हो, मान लो आप एफ टू एक्स निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस जो सेकेंड टाइम जो डिसीजन ट्री बनेगा उसका आउटपुट। अब एफ वन एक्स कैसे निकल रहा है, एफ वन एक्स निकल रहा है यूजिंग दिस एफ नॉट एक्स प्लस डिसीजन ट्री वन का आउटपुट,
सिमिलरली अगर आपको बोला जाए एफ थ्री एक्स निकाल लें तो ये है एफ टू एक्स प्लस डिसीजन ट्री थ्री का आउटपुट। अब ये कैसे निकल रहा है, ये निकल रहा है यूजिंग मतलब इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू आपका एफ नॉट एक्स प्लस डिसीजन ट्री, मतलब आई गेस आपको समझ में आ रहा है दिस इज लाइक रिकर्शन, मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ चलो। सो एफ टू एक्स हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस डिसीजन ट्री टू का आउटपुट, एफ वन एक्स हो जाएगा एफ नॉट एक्स प्लस डिसीजन ट्री वन का आउटपुट, और आप बेसिकली इसको रिप्लेस करते जाओ तो एंड में आपका रिलेशनशिप बस इतना ही है कि किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे एफ फोर एक्स वुड बी एफ नॉट एक्स प्लस सारे डिसीजन ट्रीज का आउटपुट को आप ऐड करते जा रहे हो, और सारे डिसीजन ट्रीज क्या है वही आपके एफ वन एक्स है एफ टू एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है दिस इज प्रॉपरली रिकर्शन। सो जिन लोगों ने साइकिट लर्न में कोड किया होगा इसका उन लोगों ने इंटरनली रिकर्शन यूज किया होगा, और जब आपका ये लूप खत्म हो जाए तो आप फाइनली आउटपुट में एफ एम एक्स दे सकते हो। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। ठीक है, सो आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैं बहुत टाइम लेकर के आपको समझाना चाह रहा था सब कुछ, बट अगेन ये चार जो मेन स्टेप्स हैं स्टेप टू के अंदर उसी में सब कुछ हो रहा है। पहला स्टेप में मीन है और तीसरे में कुछ है ही नहीं, जो भी है स्टेप टू है। तो एक बार आप एक काम करो, इस पूरी चीज को कॉपी पेन लेके समझने का ट्राई करो, एंड इफ पॉसिबल इसको कोड करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर आपने इसको कोड कर लिया तो आपको समझ में आ चुका है कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे काम करता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।